नमस्कार दोस्तों, ड्रीम क्लास के चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपने देखे हैं बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग सॉफ्टवेयर के विद अलग अलग आपको इसमें नॉलेज मिलते हैं। जैसे कोई हमारे यहाँ सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसके लिए सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर कोई डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए कोरल ड्रॉ है, और फोटोशॉप एडिटिंग के लिए जाना तो फोटोशॉप का है। इवन अगर कोई बेसिक कंप्यूटर नहीं जानता है कि कंप्यूटर बेसिक कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए बेसिक नॉलेजेस है। और इवन कंप्यूटर टेक्निक्स भी हमने रखी है जो कंप्यूटर में आपको बहुत ही यूजफुल रहेंगे, और आपको अपने कैरियर में या कोई भी अगर कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए तो आप उस पर ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे आज का मेरा वीडियो जैसे है, आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था फोटोशॉप में फोटो एडिट कैसे करते हैं, जैसे कि फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। मैंने उसमें लास्ट तक दिखाया था कि बैकग्राउंड चेंज करने के बाद हम उसमें सिर्फ सिंगल कलर ले पा रहे थे। तो आज के मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा वो सिंगल कलर की जगह अगर आपको मल्टी कलर यूज करना है, पैटर्न यूज करनी है, या फिर पीछे बैकग्राउंड पूरा चेंज कर देना है वॉलपेपर रख के, तो वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एडोब फोटोशॉप की स्टार्ट करता हूँ स्क्रीन। अब दोस्तों, फोटोशॉप को अगर आपको चालू करना है, विंडो आर करके आप उसमें लिख सकते हैं फोटोशॉप, और जैसे एंटर देंगे सेम एज इट इज वही फोटोशॉप यहाँ पे ओपन है, इसलिए सेकंड ओपन नहीं करने देगा। तो यहाँ पे हमारा फोटोशॉप यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब उस हिसाब से हम यहाँ पे फोटो अगर ओपन करना है, डबल क्लिक करके मैंने आपको दिखाया था ओपन कर सकते हैं कोई भी फोटो। तो हम पहले कोई भी एक फोटो सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। सिंपल एक फोटो सिलेक्ट करके आपने उसको ओपन किया। अब दोस्तों, इस फोटो में आप देख पा रहे हो इस तरफ कुछ ब्लर पहले से दिया हुआ है, फेदर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। तो ये फेदर ऑप्शन से यूज किया, मतलब ये फोटो कहीं और का और बैकग्राउंड इसमें ऑलरेडी चेंज हुआ है। तो हम कोई दूसरा फोटो भी लेके ट्राई करेंगे जिससे वो परफेक्टली दिखे। जैसे आपको अगर मालूम हो तो फोटो ओपन करना हो हमें चार तरीके से ओपन कर सकते हैं। अगर आप फाइल में ओपन करोगे, डबल क्लिक करके ओपन करोगे, या कंट्रोल ओ भी कर सकते हो। तो जैसे ये हमने एक फोटो लिया। अब इसमें मैंने आपको वो भी बताया था कि अगर सिलेक्शन सेंटर का आता है तो कैसे करना है, तो आज वो भी ऑप्शन एक बार वापस से देख लेते हैं जिससे आपको एक परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कि अगर कोई ऐसा फोटो है जिसमें उसने हैंड अपने सर पर रखा है तो उसके कारण जो बीच का पोर्शन बैकग्राउंड चेंज नहीं हो पा रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो आपका यहाँ पे आ चुका है। अब आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है पेन टूल से, क्योंकि पेन टूल का सिलेक्शन एक परफेक्ट रहेगा। मैंने फोटो सिलेक्शन के लिए आपके पास 9 टूल्स दिखाए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे फोटोशॉप की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और अगर इसको फोटो को जूम करना है तो आप शॉर्टकट की कीजिए कंट्रोल प्लस, जिससे फोटो जूम हो जाएगा। अगर आपको फोटो अप डाउन करना है तो यहाँ से हैंड मूव टूल के लिए डायरेक्ट आप यहाँ से अप डाउन सेट कर सकते हो उसे, और कंट्रोल माइनस करके आप फोटो को छोटा कर दो। तो सबसे पहले हम परफेक्ट लेके एक सिलेक्ट करते जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। अगर कहीं पर भी आपको मिस्टेक लगे कंट्रोल जेड आप कर सकते हैं। जनरली कंट्रोल जेड हमें ज़्यादा मालूम है कि हम अंडू के लिए यूज करते हैं कोई भी प्रोग्राम हो उसमें, लेकिन फोटोशॉप में सिंगल कंट्रोल जेड से सिर्फ एक ही बार आपको कंट्रोल जेड करने देगा। अगर आपको ज़्यादा अंडू करना है तो आपको अल्टर कंट्रोल जेड यूज करना होगा, मैक्सिमम अंडू ये यूज करने देगा। अगर सिर्फ कंट्रोल जेड करोगे वो सिर्फ एक बार यूज करेगा। देखिए, जैसे ये मैंने क्लिक किया, अब एक कंट्रोल जेड एक ही बार करने दे रहा है, ओनली वन टाइम कंट्रोल जेड। लेकिन अल्टर कंट्रोल जेड करूंगा तो जो भी मैंने लास्ट वर्क किया वो पूरा यहां से दिखाएगा। तो हम यहां से एक सिलेक्ट करते जाते हैं परफेक्टली। अब पेन टूल आपका क्लिक करेंगे तो आप ये स्ट्रेट चलेगा, तो जहां जहां पे आपको कर्व चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। देखो कैसे, एक सिंगल क्लिक करने के बाद उस क्लिक को होल्ड प्रेस करके रखिए और इस तरफ कर्व कीजिए, लेकिन वापस आप क्लिक करोगे तो वो कर्व कंटिन्यू रहेगा। कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल प्लस करके आपको जूम करके दिखाता हूं। अभी आप कोई भी क्लिक कर रहे हो, देखिए वहां से वो कर्व सेंटर कंटिन्यू चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने कर्व किया मतलब वो सेकंड टाइम भी कर्व ले रहा है। तो यहां पे कर्सर रख के आपको अल्टर और माउस की लेफ्ट क्लिक करनी है, जिसका उसका जो कर्व पॉइंट हुआ ऊपर का वो माइनस यानी बंद हो गया। अब आप क्लिक करो तो वापस स्ट्रेट दे देगा जिससे नॉर्मल था, यानी आपको अल्टर और माउस की लेफ्ट क्लिक करनी है जिससे वो कर्व वहां पे ऑप्शन बंद कर देता है, और वापस आपका स्ट्रेट सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहां से स्पेस देके करेंगे जब भी फोटो को अगर मूव करना है, और स्पेस जैसे छोड़ दोगे वापस आपका पेन टूल रेगुलर वर्क करेगा।
इस हिसाब से आप परफेक्टली सिलेक्शन कर सकते हैं जितना आपको परफेक्ट सिलेक्ट करना है। और कोरल ड्रॉ फोटोशॉप का एक और प्लस पॉइंट, जितना आप जूम करके वर्क करेंगे उतना वो परफेक्टली आपका वर्क होगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट वर्क उसी में हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा परफेक्टली सिलेक्शन हुआ, लेकिन जो लास्ट में आते जो यहाँ पे पॉइंट रहता है उसका सिलेक्शन आपको यहाँ से बाहर तक करना है, क्योंकि वो हमें फोटो एंड तक चाहिए। अभी आपका जैसे सिलेक्शन हुआ, आप सिर्फ कंट्रोल के साथ एंटर दीजिए, जैसे आप देख पाएंगे आपका फोटो सिलेक्शन में दिख रहा है। पास में आप अगर आप देखोगे तो लाइनिंग चल रही है, मतलब ये सिलेक्शन है। अब फोटो सिलेक्ट हो चुका है तो हम फोटो को न्यू पेज पे लेना चाहेंगे। यहाँ से फाइल में न्यू, जो कंट्रोल एंड करके भी आप ले सकते हो। अब जैसे न्यू पेज आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप कुछ आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स पूरा दिखेगा, जिसमें आप न्यू में अगर आप पेज का नेम देना चाहते हो, उसकी प्रीसेट साइज कौन से अलग अलग दिख रही है तो उस हिसाब से अगर आप साइज रखना चाहते हो, इवन उसका रिजोल्यूशन आपको क्लीन रखना है, इसके लिए आपको रिजोल्यूशन देना है 300, जो फोटो में क्लियरिटी आते उसके लिए। जैसे आपने ओके किया आपके सामने एक पेज ओपन हो गया। अब आपका फोटो वहां पीछे और पेज ऊपर की तरफ है, तो पहले फोटो यहां से फिर उसको पेज को नीचे की तरफ लीजिए, फोटो को क्लिक करके डायरेक्ट यहां पे आप खींच लीजिए, तो आप देखेंगे पूरा आपका फोटो यहां पे आ गया। लेकिन इसमें एक और चीज है, जैसे आपका कटिंग किया तो वो कटिंग आपको यहां पे दिख रहा है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था वहां पे आपको फेदर देने की जरूरत होगी। तो फेदर के लिए यहाँ से सिलेक्ट में आप जा सकते हैं, फेदर अल्टर कंट्रोल डी शॉर्टकट की उसकी है, अल्टर कंट्रोल डी जैसे आप करते हैं तो यहाँ पे कुछ फेदर सिलेक्शन करके एक नाम आ जाएगा, जहां पे फेदर का कितना परसेंटेज आपको देना है। फेदर का आपको कितना परसेंटेज देना है वो यहाँ पे आपको पिक्सल्स में दिखाएगा, एक्चुअली परसेंटेज नहीं होगा पिक्सल्स में होगा। तो 2 or 3 or 5 मैक्सिमम दीजिए, क्योंकि ज्यादा पिक्सल्स देने पे वो ज्यादा उसको ब्लर करेगा। कोई भी फोटो में अगर आपको पिक्सल सेट करने जो फेदर में है तो 2 or 3 तक ही रखिए, तो उतना वो फेदर परफेक्ट रहेगा। अब आपने फोटो यहाँ पे रख दिया, लेकिन मेरा जो फोटो है वो पेज से ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो फोटो अगर मुझे वापस छोटा करना होगा तो उसके लिए है कंट्रोल प्लस टी, जिसे हम कहते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म, मतलब उसको सिलेक्शन करने के बाद हम फोटो को अप डाउन छोटा बड़ा सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया कंट्रोल टी, तो यहां से आपके सामने एक डायरेक्ट स्क्वायर दिखेगा। अब कभी भी इसकी हाइट और विड्थ ऐसे करके आप मत सेट कीजिए, क्योंकि वो फोटो की पिक्सल्स को खराब कर देता है। इसके लिए आपको हमेशा करना है कंट्रोल टी करने के बाद यहां से क्रॉस सिलेक्शन, और उसमें भी आपको अल्टर और शिफ्ट मेंटेन करने के लिए रखना है, अल्टर के साथ शिफ्ट, जो फोटो को एग्जैक्ट मेंटेन रखेगा, अल्टर प्लस शिफ्ट। ज्यादातर दोस्तों फोटोशॉप में अल्टर की शॉर्टकट की बहुत मैक्सिमम यूज होगी, और जनरली अगर आप कोरल ड्रॉ यूज करो तो कंट्रोल शॉर्टकट की ज्यादा यूज करते हैं उसमें। तो इसमें आपको अल्टर शिफ्ट और माउस के लेफ्ट क्लिक से आपको साइज उसकी सेट करनी है। अब मैंने यहाँ पे एंटर दे दिया, अभी मेरा यहाँ पे सिर्फ फोटो है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो लेयर है वो लेयर वाइज इसमें वर्क करता है, उसकी शॉर्टकट की आपके पास है F7। तो F7 करने के बाद आपके सामने लेयर 2 दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेयर। तो जो आप लेयर देख रहे हैं उसमें एक है बैकग्राउंड और एक है लेयर 1। बैकग्राउंड मतलब जो आपने पहले पेज लिया, उसके बाद लेयर 1 जो आपने यहाँ पे फोटो सेट किया है। तो अभी अगर आपको पीछे कलर करना है बैकग्राउंड में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड पे क्लिक रख दो, और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बैकग्राउंड के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 कलर्स दिखाए गए, फॉरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। तो फॉरग्राउंड कलर आपको यहाँ पे लाना है, उसकी शॉर्टकट की होगी अल्टर बैकस्पेस। तो जैसे मैंने अल्टर बैकस्पेस किया, आपके सामने दिख रहा है व्हाइट पोर्शन अभी भी है, जहाँ वहां पर कटिंग नहीं हुआ वही पोर्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से कंट्रोल प्लस करके भी जूम करते हैं। अब यहां पे आपको यूज करना है मैजिक वॉन्ड टूल, जिसकी शॉर्टकट की है W। वो एक जैसे दिखने वाले कलर को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं अभी कुछ नहीं हो रहा है,
क्यों? क्योंकि आपका लेयर ब्लैक पे है। देखिए लेयर लेयर आपका बैकग्राउंड पे कर्सर है, यानी आपका लेयर जो एक्टिव है वो बैकग्राउंड पे है। लेयर वन पे क्लिक रखिए जिससे वो ब्लू वहाँ पे एक्टिव हुआ। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए उतना पोर्शन आपका डायरेक्ट सिलेक्ट होगा। अब उसको सिर्फ आप डिलीट प्रेस कीजिए जिससे वो डायरेक्ट यहाँ से निकल गया। सेम एज इट इज नीचे की तरफ डिलीट सिलेक्ट करेंगे पहले और डिलीट। अब आप जूम थोड़ा कम कीजिए, कंट्रोल माइनस, जिससे आप देख पा रहे हैं आपका जो भी ज़्यादातर व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा था वो पूरा यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे भी आप एक परफेक्टली बैकग्राउंड को सेट रिमूव कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई कि जैसे बैकग्राउंड वापस रिमूव कर दिया और यहाँ पे एक सिंगल कलर आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे मल्टी कलर का यूज़ करना है तो मल्टी कलर यूज़ करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक टूल दिया जाएगा जिसका नाम है ग्रेडियंट टूल, जिसकी शॉर्टकट की है जी। ग्रेडियंट टूल में अब यहाँ पे ग्रेडियंट टूल लेने के बाद आपके ऊपर प्रॉपर्टी बार में ऑप्शंस बहुत सारे आ जाएंगे जहाँ पे अलग अलग कलर्स आपको दिखेंगे। अब यहाँ पे मेरे कलर दिख रहा है, हो सकता है आप अपने फोटोशॉप में जब यूज़ करो तो इतने सारे कलर ना भी दिखे, तो आपको क्वेश्चन होगा कि सर हमारे फोटोशॉप में इतने कलर्स क्यों नहीं दिख रहे। उसका रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे आप ये पॉइंट्स देख रहे हो डबल डॉट, उस पर एक सिंगल क्लिक कीजिए। यहाँ से जितने भी कलर वन से स्टार्ट होते हैं ये सब कलर बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये सब कलर पैलेट्स जो आप देख रहे हो यानी कलर पैटर्न्स देख रहे हो ये यहाँ से आपको आती है। अगर मैं सिर्फ कलर वन पे क्लिक कर रहा हूँ और उसमें ऑप्शन आता है रिप्लेस करंट ग्रेडियंट विद द ग्रेडियंट फ्रॉम कलर हार्मोनियस वन, अब यहाँ पे अगर मैंने ओके कर दिया तो सिर्फ मुझे कलर वन ही दिखेगा। हो सकता है आपके में सिर्फ इतना ही दिखता हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कलर टू पे क्लिक करके उसको ओके मत कीजिए, अपेंड कीजिए, मतलब ऐड कीजिए उसको। जब आप ओके करेंगे तो सिर्फ वो कलर टू ही दिखेगा। इसके लिए कलर वन को ओके करने के बाद हर एक कलर बॉक्स को सिर्फ आपको अपेंड करना है, मतलब हर एक स्टाइल को सिर्फ आपको अपेंड करना रहेगा, जिससे आपके कलर बॉक्स ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जितनी भी होगी वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। हाँ ये याद रखना है कि जो ऑलरेडी एक हो चुका है उस पर वापस ना क्लिक कीजिए, नहीं तो वो डुप्लीकेट यहाँ पे हो जाएगा और डुप्लीकेट की कोई एरर या कोई क्वेश्चन वो नहीं करेगा, वो सिर्फ क्लिक करके आपको अपेंड यहाँ पे शो करेगा। हर एक में आप ऐसे क्लिक करके अपेंड करते जाइए जिससे आपकी कलर बॉक्स सब यहाँ पे दिखेंगे। अब कोई भी आपको ग्रेडियंट कलर चाहिए उसको ग्रेडियंट कलर यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। अभी देखिए दोस्तों मैंने जैसे ड्रैग किया तो वो फोटो के ऊपर आ गया। एज इट इज सेम बात हो गई लेयर की। फोटोशॉप में जैसे मैंने आपको बताया लेयर पे वर्क ज्यादा करना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके कीजिए, जिससे फिक्स वही लेयर पे वो वर्क करेगा। इवन आप यहां से क्लिक करके जितना आप चेंज करोगे, देखो हर एक क्लिक पे हर एक कलर पे आप लेयर चेंज कर सकते हो। अब आप पीछे देख रहे हो पूरा सर्कल ही आ रहा है, उसका भी एक रीजन है क्योंकि उसकी एक पैटर्न फिक्स की हुई है। यहां पे आप देखेंगे जो एक है लाइनर ग्रेडियंट, एक है रेडियल राउंड, एंगल ग्रेडियंट, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट और डायमंड। देखो अगर आप लाइनर रखते हो तो वो सिर्फ लाइन के हिसाब से वर्क करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइनर के हिसाब से। अगर आप रेडियल में रखोगे तो सिर्फ वो राउंड के हिसाब से पैटर्न देगा, और वही अगर आप ग्रेडियंट एंगल वाइज रखो, देखिए, और वही अगर आपने वापस रिफ्लेक्टेड किया या फिर अगर आपने डायमंड रखा, तो जिस हिसाब से आप बैकग्राउंड सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से उसमें आप सेट कर सकते हो, मतलब ग्रेडियंट की जैसी इफेक्ट आपको चाहिए आप वैसे यहां पे दे सकते हो। इस ग्रेडियंट पे क्लिक करके आपने कोई भी एक सिंगल कलर सिलेक्ट किया, अब ये ग्रेडियंट में मुझे ग्रेडियंट पैटर्न तो पसंद आ गई बट कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो कलर सिलेक्शन भी मैं कर सकता हूं। उसके लिए आपको ये पॉइंट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट इस पे क्लिक कीजिए जो ग्रेडियंट एडिटर करके ओपन करेगा, उसमें डायरेक्ट आप इंडिविजुअल कलर उसका चेंज कर सकते हो। जैसे पॉइंट बढ़ा रहे हो तो पॉइंट बढ़ भी जाएगा, अगर उसी पॉइंट को आप डिलीट करोगे यहाँ पे तो वो पॉइंट रिमूव भी हो जाएगा, जिस जिस पॉइंट को आप डिलीट करोगे वो डिलीट हो जाएगा। जैसे ओके करूंगा तो यहाँ पे अभी तक पैटर्न नहीं आई है लेकिन कलर वही हो गया। अब आप कीजिए तो देखिए आप अपने हिसाब से कलर उसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से अगर आपको ग्रेडियंट पैटर्न सेट करनी तो आप ग्रेडियंट पैटर्न सेट कर सकते हो, आपको जैसे एंगल में रखना हो जिस एंगल से रखना हो उस एंगल से आप रख सकते हो। इवन उसके अलावा आपके पास इसमें पैटर्न्स भी आती है, ये सिर्फ ग्रेडियंट टू कलर पैटर्न हुई। अब यहीं पर राइट क्लिक करके आप देखिए पैटर्न स्टैम्प टूल है जो सिर्फ पैटर्न प्रोवाइड करता है, यहाँ पे भी देखेंगे पैटर्न अलग अलग। अब ये भी सेम कलर की तरह हुई दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करके आपको ध्यान रखना होगा
नीचे आर्टिस्टिक सरफेस पैटर्न से लेकर टेक्सचर फेस सब पैटर्न आपको अपेंड करनी कंपलसरी है। मेरी ऑलरेडी अपेंड है तो मैं अपेंड पे क्लिक नहीं करूँगा। जो भी पैटर्न मुझे चाहिए उसको क्लिक किया, यहाँ पे आप फिल करते जाइए। अब मैंने बैकग्राउंड पे कर्सर रखा है इसके लिए वो बैकग्राउंड पे पूरा पैटर्न वर्क कर रहा है। ये एक ब्रश की तरह वर्क कर रहा है जो जनरली जहाँ जहाँ तक आप रख रहे हो वहीं तक ही वो ब्रश पैटर्न पूरा वर्क करेगा। आप जैसी पैटर्न रखना चाहो वैसे पैटर्न रख सकते हो। कोई भी पैटर्न आप यहाँ से क्लिक करो उस पैटर्न को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये हो गई बात पैटर्न की। अब बात करते हैं कि अगर आपने कोई ग्रेडियंट कलर रखा है, जैसे हम वापस ग्रेडियंट टूल से कोई एक कलर ले लेते हैं, अब मुझे उसमें ही पैटर्न रखने बट पैटर्न थोड़ी लाइट यानी कि ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको पैटर्न स्टैम्प टूल यूज करना है, लेकिन जो उसका मोड है वो नॉर्मल है, उसकी जगह आप उसको सॉफ्ट लाइट यूज कीजिए। सॉफ्ट लाइट मतलब वो पैटर्न तो रहेगी बट कलर के साथ साथ, मतलब वो लाइट कलर में पैटर्न फील कर रहा है। इससे दोस्तों आपका बैकग्राउंड और अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा, जिसके कारण आप पैटर्न के साथ साथ कलर भी प्रोवाइड कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपने वापस पैटर्न चेंज करोगे तो देखो वो पैटर्न के ऊपर पैटर्न फील हो रही है, मतलब जितनी पैटर्न आपको पहले फिक्स करनी कंपलसरी है। अब मैं यहाँ पे अल्टर कंट्रोल जेड करता हूँ। जो भी पैटर्न आपको चाहिए पहले आप पैटर्न को सिलेक्ट कर लीजिए, उसी के बाद वहां पे फिल कीजिए। देखिए कुछ इस हिसाब से, अगर मैंने उसके ऊपर वापस ग्रेडियंट फिल कर दिया तो पैटर्न भी चली जाएगी और कलर भी चला जाएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आपको एक फिक्स कलर हो चुका है वही कलर आप फिक्स रखिए, उसी के बाद आप पैटर्न को सॉफ्ट लाइट से यूज कीजिए। और दोस्तों बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई अगर आपके पास वॉलपेपर है, बैकग्राउंड है, वो आपको कैसे सेट करना है। तो फाइल में ओपन कंट्रोल प्लस ओ कीजिए, कोई भी वॉलपेपर आपके हिसाब से ले लीजिए बैकग्राउंड में जैसे आपको सेट करना हो। जैसे हमने ये एक सिलेक्ट करके इसको ओपन किया, अब ये फोटो कट यहाँ पे अलग से ओपन होगा। जैसे वो फोटो पहले वरुण धवन का था वो अलग से ओपन हुआ, उसको हमने कट किया था, ये बैकग्राउंड अलग ओपन हुआ और ये आपका न्यू पेज अलग है। तो इस न्यू पेज पे आपको आपका बैकग्राउंड लेके आना है। उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा बैकग्राउंड, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। और दोस्तों इस वीडियो को मैं आपको आने वाली वीडियो में इसको और ही डिटेल्स में समझाऊंगा कि अगर बैकग्राउंड सेट करने के बाद हमने कलर कॉम्बिनेशन भी कैसे रखना है, जो मतलब जो हमने पैटर्न ट्रांसपेरेंट देखी वैसे सेम ट्रांसपेरेंट कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूले। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में बेल आइकन आएगा उस पर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे मैं आपके लिए और एक वीडियो अच्छे से बना सकूँ। धन्यवाद।